अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक हों, बिल्कुल खैरियत से हों। आज जो है वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है वो। नाम है उसका हनी बटर चिकन, और उसके लिए आप विद स्किन भी चिकन ले सकते हैं, विदाउट स्किन भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने जो है वो ये निबलेट्स लिए हैं, और अगर आपके पास चिकन विंग्स हैं वो ले सकते हैं विद स्किन, तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन मैंने जो है वो ये चूज़ किए हैं, और यहाँ पे जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या है ये आपको बता देती हूँ, और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम मेरे पास ये निबलेट्स के हैं, 1 एग मैंने लिया है, हाफ अ टी स्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर, हाफ अ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट, और साथ में मैंने लिया है ये कॉर्न स्टार्च, ये 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने फुल करके लिए हैं कॉर्न स्टार्च के। और यहाँ पे है मेरे पास ऑल पर्पज़ फ्लावर, जो मैदा होता है वो भी ये 2 टेबल स्पून ही है, और साथ में मैंने लिया है हाफ टी स्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो इसको चिकन को क्रिस्पी करेगा, और इसको बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से क्रिस्पीपन आ जाएगा इसकी वजह से, बेकिंग पाउडर की वजह से। और किया मैंने क्या है कि क्योंकि हम लोगों का टेस्ट थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम लोग फीका चिकन नहीं खा सकते, तो ये जो अभी मैं बैटर बनाऊंगी ये मैं साथ ही बैटर बनाऊंगी और साथ ही फ्राई कर दूंगी, इसलिए थोड़ा सा मैंने जो है वो हाफ टी स्पून आप कह लें मैंने जो सॉल्ट है वो पहले से चिकन को लगा के रख दिया था ताकि इसके अंदर अच्छे से सॉल्ट चला जाए। और चले फिर चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं इसका बैटर। यहाँ पे मैंने डाला है ये चिकन जो मैंने धो के रख दिया था, और सॉल्ट भी लगा दिया था इसको मैंने, ये मैंने डाला है। साथ ही मैंने इसमें डाली है ये हाफ अ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर एंड हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट मैं पहले भी थोड़ा सा डाल चुकी हूं, अब मैं इसमें डालने जा रही हूं 2 टेबल स्पून ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर मैदा। इसी तरीके से अब मैं डालूंगी ये कॉर्न स्टार्च, 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, हाफ अ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। आप जो है वो इंग्रेडिएंट अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप फिर उस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स को जो है वो सेट कर सकते हैं, और सॉल्ट अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, और ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको आप थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर चिकन कि वो आपकी कितनी है क्वांटिटी में। अब करते हैं इसको अच्छा सा मिक्स ताकि ये सब चीजें जो हैं वो अच्छे से हो जाएं कंबाइन। पाँच से सात मिनट हो गए हैं हमारे चिकन को पड़े हुए, और यहाँ पे जो है वो ऑयल भी बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है क्योंकि चिकन हमारी जो है वो रॉ है, वो कुक नहीं है, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और बस इसको इतना करना है कि ये जले ना और ऊपर से सख्त ना हो जाए, बस इसको गलना है चिकन को, तो ये आप कह लें कि ये अभी मीडियम सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो चिकन जो है वो ऊपर से जल जाएगी और बीच में से वो कच्ची रह जाएगी। ये सारी चिकन जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डाल रही हूँ, इसको ओवरलोड नहीं करना है, इसको जगह रहने देनी है ताकि जितना बीच में गैप होगा चिकन इजीली कुक होगी। और अब हमें इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अगर हम इसको बार बार इसको इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये इसका जो बैटर है वो ऊपर से उतर जाएगा, तो जब ये एक तरफ से थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये जैसे ही एक साइड से थोड़ा सा इसका मसाला जो है या इसका बैटर है
वो थोड़ा स्टिफ होने शुरू हुआ है, थोड़ा हार्ड होने शुरू हुआ है। तो आप देखेंगे ये चिकन ऊपर आ गई है फ्लोट करती हुई, और यहाँ पे अब हम इसको टर्न करते हैं, क्योंकि अब हम इसे छेड़ेंगे तो इसका मसाला ऊपर से नहीं उतरेगा, क्योंकि इसका जो बैटर है वो अच्छे से इसके साथ चिपक चुका है। और इसको जो है चिकन को मैं डबल फ्राई करूँगी, दो दफ़ा मैं इसको फ्राई करूँगी। एक टिप देती जाऊँ आपको, अगर कोई भी चीज़ जो आप बैटर यूज़ करके बना रहे हैं, जैसे फ़िश है या कोई रोस्ट वगैरह है, उसको अगर आप डबल फ्राई करते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है और उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और वो बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। और अक्सर जो ये शॉप्स वगैरह हैं इनमें भी ये डबल चीज़ को वो करते हैं फ्राई। तो एक दफ़ा मैं फ्राई कर रही हूँ, जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसको फिर दोबारा से निकालूंगी और फिर दोबारा से फ्राई करूंगी। ये देखिए जी, हमारे चिकन के ऊपर जो है वो माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने शुरू हो गया है। शुरू में जो है वो मैंने हीट को मीडियम पे रखा हुआ था ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, और अब जो है वो चिकन गल गया है इसलिए मैंने अपना जो फ्लेम है उसको हाई कर दिया है। और अब मैं इसको सिर्फ जो है वो कलर दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको मज़ीद मीडियम हीट पे पकाया तो ये अंदर से जो है वो ड्राई हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है वो क्रिस्पी हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मैं चिकन को निकालने लगी हूँ, और उसके बाद मैं नीचे से जो फ्लेम है वो बंद नहीं करूँगी, और फ्यू सेकंड्स का मैं गैप दूंगी और ये चिकन मैं दोबारा से इसमें डालूंगी और दोबारा से फ्राई करूंगी। चलें जी फ्रेंड्स, ये मैंने इसको कुछ सेकंड्स का इसको मैंने गैप दिया है और अब मैं ये दोबारा डाल रही हूँ इसमें ताकि ये और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसी के से आप करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी एक ट्रिक कह लें या टिप कह लें, इस तरह से चिकन को आप फ्राई करें या फिश को फ्राई करें तो वो बहुत क्रिस्पी हो जाती है। और सिर्फ 3 से 4 मिनट मैं इसको दोबारा से फ्राई करूंगी और फिर मैं इसको निकाल लूंगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, फ्लेम कर दिया है मैंने बंद। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें चिकन हमारा कितना क्रिस्पी सा रेडी हो चुका है, और आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसका नाम है हनी बटर चिकन, और अभी तक इसमें ना तो हनी गया है और ना ही इसमें बटर गया है। तो चलें बनाते हैं इसकी हम ग्रेवी, और या सॉस कह लें, ग्रेवी कह लें, और वो उसमें हनी भी जाएगा और बटर भी जाएगा। यहाँ मैंने ले लिए है अपना पैन और इसमें मैं डालने जा रही हूँ बटर। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 टेबल स्पून बटर मैंने लिया है, ये अनसॉल्टेड है क्योंकि सॉल्ट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। बटर हो चुका है मेल्ट और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जो मैंने इस तरह से चॉप करके रखा है। अगर आप ज़्यादा चिकन में बना रहे हैं तो ऑफकोर्स यू कैन ऐड मोर। और अब इसको हल्का सा हम करेंगे गोल्डन सा कलर इसको देंगे। गार्लिक हमारा हो चुका है हल्का सा ब्राउन और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये किसी भी ब्रांड का आप ले लें, हॉट एंड स्वीट सॉस, ये 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें। ये किसी भी ब्रांड का आप ले लें, हॉट एंड स्वीट सॉस। साथ में मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस तकरीबन 1/2 टीस्पून। साथ में मैं इसमें डालूंगी हनी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ हनी गया इसमें। ये बहुत अच्छा सा इसको स्वीट सा और जो मैंने सॉस डाली है उससे टैंगी सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। और हम अब अपना इसमें डालते हैं चिकन और उसको हम करते हैं मिक्स। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और 4 से 5 मिनट में मैं इस सॉस के बीच में इसको करूंगी टॉस चिकन को, ताकि इसके अच्छे तरीके से हर तरफ ये सॉस जो है वो लग जाए। थोड़े से मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये सिसमे सीड सफेद तिल, और फिर इसको हम करते हैं अच्छे से टॉस। और ये देखें जी, हमारा जो है वो फ्लेम को करते हैं बंद और हमारा मजेदार सा ये बटर हनी बटर चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक है और ये बहुत मजे का है, स्वीट सा है, टैंगी सा है, थोड़ा बटरी सा है। जरूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक जो है वो जरूर दिया करें।
इसके साथ ही मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त और मिलूंगी इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।